दोस्तों पार्ट वन हमने देखा था, उसके अंदर हमने यामा एफजेड के फ्रंट सोकर को डीअसेंबलिंग किया था। सोकर के अंदर कितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सारे हमने डीअसेंबलिंग किए थे और उनके क्या नाम होते हैं हमने वो भी शो किया था। उसी वीडियो का ये पार्ट टू है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोकर को असेंबलिंग की, सोकर के पार्ट्स इंस्पेक्शन की, जो सोकर के पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से चेक करना इसमें हम देखेंगे, सोकर का अच्छे से फिट करना इसमें हम देखेंगे, और कौन सी कंपनी की सील बढ़िया रहती है वो हम इसमें देखेंगे, ऑयल कितना डालना चाहिए सोकर के अंदर और कौन सी कंपनी का ऑयल बढ़िया रहता है वो हम इसमें देखेंगे, और सोकर का सही तरीका क्या है, मतलब अच्छे से सोकर फिट हम कैसे कर सकते हैं जो सोकर ज़्यादा से ज़्यादा चलें, जल्दी से वीक ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सारे स्पेयर पार्ट्स जितने भी हमने खोल के और क्लीन किए थे उसको हम चेक करेंगे कि करके कोई भी स्पेयर पार्ट्स में अगर कोई भी डैमेज या डिफेक्टेड है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों इसके जो स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंग या रॉड या आउटर ट्यूब, इन तीनों में चीज़ों में से एक चीज़ ख़राब होती है, और जो ऑलमोस्ट चीज़ ख़राब होती है वो होती है सोकर की ऑयल सील। तो सबसे पहले इनर ट्यूब को चेक करें, उसमें स्क्रैचेस तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं से वो स्क्रैचेस तो नहीं है या बैंड तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है कहीं, और उसके बुश को चेक करें कहीं ज़्यादा तो नहीं घिस गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें इसके अंदर। और उसके बाद आउटर ट्यूब के बुश को चेक करें वो ज़्यादा नहीं घिस गया है। उसके बाद स्प्रिंग चेक करें कहीं से बैंड या क्रैक तो नहीं है। उसके बाद कॉपर के वार्सल और नट को चेक करें, एलंकी वाले बोल्ट को। उसके बाद टॉप नट को चेक करें सोकर के, उसकी चूड़ियाँ चेक करें, उसकी ऑयल रिंग को चेक करें कहीं से लीकेज तो नहीं है। उसके बाद पंप को चेक करें, उसके बैंड या कहीं से जो हॉल होते हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो रखे हैं। पंप की स्प्रिंग को चेक करें, वो पिच की है ख़राब तो नहीं है। क्लिपर ऑयल लॉक को चेक करें, और बैंड पाइप को इसके जो आउटर ट्यूब है उसको चेक करें, अंदर से उसके अंदर कहीं से स्क्रैचेस तो नहीं लगे हुए हैं या फिर बाहर से बैंड तो नहीं है। ज़्यादातर इसमें अंदर से बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसके बाद से सोकर जल्दी लीक हो जाते हैं और आवाज़ भी करने लगते हैं। और बाहर से दोस्तों गाड़ी का एक्सीडेंट होने से गाड़ी का बैंड हो जाता है आउटर ट्यूब, तो उसका भी ध्यान रखें। और सोकर पुलर से सोकर को दिखाए गए तरीके से सोकर फिट करें। सबसे पहले पंप लगाएं, पंप के बाद उसकी स्प्रिंग लगाएं, पंप की स्प्रिंग छोटी वाली जो होती है लगती है उसके अंदर। उसके बाद इनर ट्यूब को ठीक से आराम से पंप के अंदर बैठा दें और ये इस तरीके से बैठा दें। उसके बाद पंप का बुश लगाएं, उसके बाद आउटर ट्यूब को बैठाएं आराम से, जिसे हम बॉटम भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ में जबरदस्ती ना करें, बॉटम और ट्यूब बिल्कुल फ्री होने चाहिए, एकदम फ्री, आराम से लगाएं इसको, ये टाइट नहीं होने चाहिए। उसके बाद कॉपर वार्सर और एलंकी वाले बोल्ट को इसमें बैठा दें और उसको ठीक से चढ़ा के टाइट कर दें। 8 नंबर की एलंकी से टाइट होगा दोस्तों, इस बोल्ट का ध्यान रखें ठीक से टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज़ रह गया तो यहाँ से ऑयल की सीलन आएगी या लीकेज होगी। अगर ऑयल लीकेज या सीलन होता है तो ऑयल का लेवल सोकर में कम हो जाएगा, जिसके सोकर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी आगे जाके। ठीक से टाइट करें इस नट को। एक सोकर को अगर आप फिट करते हैं वही सेम प्रोसेस दूसरे सोकर का भी होता है, क्योंकि दोनों सोकर सेम होते हैं, दोनों के सोकरों के स्पेयर पार्ट दोनों सेम होते हैं, सिर्फ बॉटम के डिज़ाइन का फर्क होता है, किसी में डिस्क ब्रेक होती है तो किसी में ड्रम ब्रेक होती है, तो बस उसके बुश का कॉलर का फर्क होता है, कोई फर्क नहीं इसके अंदर होता। उसी तरीके से सेम लगेगा, वही बोर्ड लगेगा, वही सेम तरीका है, वही सेम प्रोसेस है। अगर आपने एक सोकर ठीक से फिट कर लिया, दूसरा सोकर भी वही सेम तरीके से फिट किया जाएगा। इसका आउटर ट्यूब बुश है, ये आउटर ट्यूब में बैठेगा, बॉटम में लगाया जाएगा। इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको आराम से लगा दें। ऊपर से इसके वार्सल है, बुश वार्सल, इसको बैठाएं। इसके बाद बुश को बैठाने का ये पूलर है, इसको अच्छे से लगा के इसमें और दिखाए गए तरीके से इस बुश को बैठा दें बॉटम के अंदर। बस ध्यान रखें बुश रॉड के अंदर टाइट नहीं होना चाहिए, अगर टाइट होगा तो स्क्रैचेस आ जाएंगे रॉड के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साफ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वार्सल निकाल के एक बार बुश को चेक कर लें, बुश ठीक से बैठा है या नहीं बैठा बॉटम के अंदर। अगर बुश ठीक से नहीं बैठा होगा तो ऑयल सील बैठाने में आपको प्रॉब्लम होगी और जिसकी वजह से बाद में लॉक बैठाने में प्रॉब्लम होगी। चेक करने के बाद वार्सल को वापस लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें HTA की सील लगाएंगे जो OEM में आती है,
आप जितनी भी गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट जो भी रनिंग गाड़ियां हैं, उन सब में ऑयल सील HTA कंपनी की ही निकलती है मैन्युफैक्चरिंग से ही। तो HTA की ऑयल सील ही हम लगा रहे हैं इसके अंदर। अगर आप यही सील यामा की पैकिंग में लेके आएंगे तो उसमें भी HTA की ही सील निकलेगी, आप लेके चेक कर सकते हैं। बस ये फ़ायदा इसमें हो जाता है कि क्वालिटी मिल जाती है, और दूसरी बात मिल जाती है थोड़ा इसका प्राइस भी कम होता है, लेकिन क्वालिटी वही होती है। दोनों सील मैच कर लें, सील लगाते समय दोनों सील सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सील सेम लगेगी। और सील जब लगाएं तो उसके ऊपर कॉलर के ऊपर ऑयल लगा लें और सील का उल्टा और सीधा चेक कर लें, दिखाए गए तरीके से सील को फिट करें। ज़बरदस्ती सील लगाते समय बिल्कुल ना करें, अगर ज़बरदस्ती आप करते हैं तो उसकी कॉलर पलट सकती है, जिसकी वजह से होकर लीकेज जल्दी हो सकता है। बिल्कुल सेम डिट्टो दिखाए गए तरीके से सील को लगाएं, ये ज़बरदस्त तरीका है लगाने का। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, अगर बॉटम में सील टाइट जाती है या रॉड में सील टाइट होती है तो थोड़ा उसको सॉफ्ट तरीके से लगाएं। पुरानी सील का इस्तेमाल करके नई सील को ठीक से बुश के जरिए उसको बैठा दें। ये सोकर पूलर है, दिखाए गए तरीके से पूलर के जरिए सोकर ऑयल सील को बैठा दें बॉटम के अंदर। जोर से ज्यादा दबाव ना डालें जिससे सील खराब हो सकती है। एक बार सील को चेक कर लें और पुरानी सील को निकाल दें, और सील को जरूर चेक करें, ठीक से बैठनी चाहिए। अगर नहीं बैठी सील तो लॉक नहीं लगा पाएंगे आप, लगेगा भी तो बहुत प्रॉब्लम होगी लगाने में आपको। और साफ सफाई का खास कर ध्यान रखें, सोकर में साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सील ठीक से बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं। आप सील का जरूर ध्यान रखें, अगर ऑयल सील नहीं बैठी तो आप लॉक को नहीं ठीक से लगा पाएंगे और बाद में लीकेज भी जल्दी हो जाएगी। एक क्लिपर लॉक है, इसको ठीक से बैठा दें। अगर आपने सील ठीक से बैठाई होगी तो लॉक बड़े आराम से लग जाएगा, बड़े इजीली तरीके से। इसको इसके खांचे में बैठा दें, बॉटम में कट बना होता है, खांचा बना होता है, वहां पे बैठ जाता है। इसमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, बड़े आराम से बैठ जाएगा ये, आप देख सकते हैं। बैठाने के बाद जरूर चेक कर लें वो अपने खांचे में बैठा है या नहीं बैठा। अगर खांचे में नहीं बैठा होगा तो लॉक निकल सकता है और सील भी इसकी दबाव से बाहर आ सकती है, क्योंकि इसमें जब सोकर गाड़ी जब चलती है उसमें प्रेशर बनता है, प्रेशर सील को बाहर निकाल देगा अगर लॉक ठीक से नहीं बैठा होगा। और सील लगाने के बाद ट्यूब को चेक कर लें, ट्यूब बिल्कुल आराम से नीचे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद इसकी डस्ट सील को लगा दें जिसकी वजह से डस्ट अंदर ना जाए, और साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। और वैसे भी दोस्तों गाड़ी के अंदर साफ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना, क्योंकि डस्ट से ही गाड़ी जल्दी खराब होती है। आप बॉटम का जरूर ध्यान रखें, इनर ट्यूब और बॉटम बिल्कुल आराम से पंप होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक से बैठ गया है। ये डिस्क ब्रेक की साइड का बॉटम है। इसी तरीके से दूसरे सोकर को भी फिट करें। अगर आपने एक सोकर फिट कर दिया तो मेरा बार बार कोई वही कहने का मतलब है, तो दूसरा सोकर का प्रोसेस भी सेम है, वही सेम प्रोसेस है। बुश पे ऑयल लगा दें, इसके ऑयल लगाने का फायदा आपको ये मिलेगा, ये इजीली बैठ जाएगा। वही बुश वार्सल लगाते हैं, उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, सोकर पुलर से बुश को दिखाए गए तरीके से बैठा दें। जोर से ज्यादा दबाव ना डालें जिसकी वजह से बॉटम पे या बुश पे स्क्रैचेस आ जाए। एक बार वार्सल निकालने के बाद बुश को जरूर चेक कर लें, बॉटम में बैठा है या नहीं बैठा। बुश का बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बुश नहीं बैठाया तो सील नहीं बैठेगी, उसके वजह से लॉक भी नहीं बैठेगा, और हो सकता है पंप जब सोकर होगा तो सील बाहर आ जाएगी, और ऐसा होता भी है। और साफ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखें। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, लोगों ने बुरा हाल कर रखा है, इतनी गंदगी से फिट करते हैं सोकरों को और बाद में बहुत बेकार बैड परफॉर्मेंस आती है। वही सेम प्रोसेस है ऑयल सील का है, इसमें कॉलर पर ऑयल लगा के और उसको बैठा दें, और सील का उल्टा सीधे का ध्यान रखें, दिखाए गए तरीके से सील को लगाएं, बिल्कुल आराम से, जबरदस्ती ना करें। और पुरानी सील के जरिए नई सील को सील पुलर के जरिए प्रेशर डाल के उसको बैठा दें,
दिखाए गए तरीके से। बिल्कुल बॉटम को ऊपर उठा के इस पर प्रेस कर दें। इसको ध्यान रहे जोर से ज्यादा इस पर प्रेशर ना डालें जिससे सील खराब हो सकती है, उतना ही प्रेशर डालें जितना स्वाभाविक है, जरूरी है, और सील जरूर चेक कर लें बैठी है नहीं बैठी है, अगर ना बैठी हो तो उसको दोबारा से ठीक से बैठाएं। क्लिपर लॉक लगा दें, वही सेम प्रोसेस है, आपने एक सोकर लगाया दूसरा सोकर भी वैसे ही बैठेगा, लॉक जब भी बैठेगा जब सील बैठ जाएगी, और एक खांचे में बड़े प्यार से बैठ जाएगा अगर आप इसे बैठाते हैं। लॉक में हमेशा उसके टेम्परिंग का ध्यान रखें, अगर लॉक सॉफ्ट ज्यादा हो गया तो उसको ना उसको चेंज कर दें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है डस्ट सील निकलने से इसके अंदर पानी भर जाता है, उसे जंग लग जाती है, लॉक जल्दी खराब हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये डस्ट सील है, इसको ठीक से लगाएं, यही सेफ्टी रखती है ऑयल सील की। हम इसमें मोटूल कंपनी का ऑयल डालेंगे। हाँ, ये सबसे बेस्ट ऑयल हमें लगा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकली है मोटूल की। कभी भी ऑयल चेंज करें सोकर का तो हमेशा मेजर मग के जरिए ही ऑयल डालें, डायरेक्ट डब्बे से ऑयल ना डालें, क्योंकि होता क्या है कैलकुलेशन इसकी अलग अलग होती है, अगर हम रिफिल कर रहे हैं सोकर तो अलग डलेगा, अगर हम ओवरऑलिंग कर रहे हैं सोकर की तो अलग डलेगा, तो हमेशा मेजर मग से मेजर करके ही ऑयल को इसमें डालें सोकर के अंदर, डायरेक्ट डब्बे से ना डालें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे गाड़ी के सोकर में कितना ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि सोकर की क्वांटिटी ही सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देती है सोकर की। अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी तो सोकर की परफॉर्मेंस भी कम ज़्यादा आएगी। सपोज डेट अगर आपने ऑयल जोर से ज़्यादा डाल दिया तो सोकर हार्ड हो जाएंगे, अगर आपने जोर से कम ऑयल डाला तो सोकर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे ठीक से। और किसी ब्रांड का ऑयल डालें, देसी ऑयल ना डालें, और इंजन ऑयल तो बिल्कुल ना डालें, सोकर का एकदम अलग ऑयल होता है वो आप डालें, और मेजर मग के जरिए ही ऑयल को डालें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, सोकर ऑयल आप दोनों सोकरों में बराबर ऑयल डालें, ना कि आप कम ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो गाड़ी आपकी झोल मारेगी, बबलिंग करेगी और परफॉर्मेंस भी ख़राब आएगी, और एक सोकर जल्दी से लीक भी हो जाएगा इसका। सोकर की दोस्तों मेन जान होती है ऑयल, अगर आपने एक सही क्वांटिटी ऑयल उसमें डाल दिया और आपने सील ठीक से बिठा दी और साफ सफाई का ध्यान रखा तो सोकर जल्दी से लीक नहीं होते। आप कोशिश ये कीजिए कि मैं 10,000 किलोमीटर तक सोकर का ऑयल इसका चेंज करा लूँ, लोग कभी कराते ही नहीं है क्योंकि उसे मैकेनिक सजेशन नहीं देते हैं। सोकर से गाड़ी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सोकर ऑयल डालने के बाद दोस्तों कम से कम 10 से 15 बार सोकर को पंप करें दिखाए गए तरीके से, इससे सोकर के अंदर जो एयर होती है वो बाहर आ जाएगी ऑयल के अंदर से, जिससे सोकर बाद में ठीक से काम करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पंपिंग करना बहुत ज़रूरी है इसका। स्प्रिंग का नीचे वाला हिस्सा दबा हुआ ज़्यादा है, इसको नीचे की साइड रख के इसको बैठा दें, और स्प्रिंग का हमेशा ध्यान रखें वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जोर से ज़्यादा दबी हुई नहीं होनी चाहिए, और वो चटकी हुई कहीं से नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो सोकर की स्प्रिंग को चेंज कर दें। स्प्रिंग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, स्प्रिंग ज़्यादा उसमें टाइट नहीं जानी चाहिए, और इसके बाद इसकी वार्सल को लगा दें, वार्सल लगाते समय टेढ़ी ना हो वार्सल, इसका भी ध्यान रखें, अगर टेढ़ी हो जाएगी तो बुश नहीं बैठेगा, जिसे हम स्पेसर बुश बोलते हैं, जिसके नाम मैंने पार्ट 1 में बताए गए थे। बुश लगाने के बाद इसके ऊपर एक वार्सल और लगेगी, इसको लगा दें। उसके बाद इसके फोर्क का जो नट होता है, टॉप नट जो ट्यूब के ऊपर लगता है, इसको लगा दें। इसकी रिंग का जरूर ध्यान रखें, इसकी ऑयल रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो ऑयल रिंग खराब है उसको चेंज कर दें, अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो आप वहां से ऑयल की सीरन या लेके जा सकती है, और इसको ठीक से टाइट करें, अगर ये लूज रह गया तो भी ऑयल की सीरन या लेके जाएगी, जिसकी वजह से सोकर की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। आप इसको दो तरीके से टाइट कर सकते हैं, या तो लोअर टी में फंसा के टाइट कर सकते हैं, या फिर वाइस पे लगा के टाइट कर सकते हैं। हाथ में फटका के चोट मार के टाइट नहीं हो पाता, मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ में थोड़ा हाथ में रखा चाबी पकड़ी और हथौड़ा मार के टाइट कर दिया, वो तरीके से टाइट नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरे सोकर को भी टाइट करें, और साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। हम इसमें भी वही ऑयल डालेंगे मोटूल का सेम, और वही सेम क्वांटिटी ऑयल का, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऑयल दोनों सोकरों में बराबर डालना चाहिए, बिल्कुल सेम क्वांटिटी ऑयल आप डालें, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। इसका खास कर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पंपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसमें ऑयल डालते हैं तो एयर भी साथ में जाती है, और एयर निकालने के लिए पंपिंग करना बहुत ज़रूरी है। पंपिंग करने से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑयल पूरे सोकर में अच्छे से चला जाता है हर जगह,
क्योंकि जब आप ऑयल का नट लगा देंगे तो फिर इसमें एयर वहीं रह जाएगी, तो उसकी वजह से सोकर ठीक से काम नहीं करेगा और स्प्रिंग का दबा हुआ हिस्सा नीचे रहेगा और उठा हुआ हिस्सा ऊपर रहेगा। एक कोने पर देख रहे हैं आप, नीचे की साइड दबा हुआ हिस्सा है और ऊपर की साइड उठा हुआ हिस्सा है, तो उसे नीचे रखें और वार्सल लगा दें, उसके बाद स्पेसर बुश लगा दें, स्पेसर बुश वही सेम वार्सल फिर उससे नट। दोस्तों हर सोकर का अलग अलग प्रोसेस होता है, हर सोकर का मैकेनिज्म तो एक ही होता है लेकिन स्पेयर पार्ट्स उसमें अलग अलग होते हैं, किसी में बुश छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, तो हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को डिफरेंट देती है लेकिन मैकेनिज्म वही होता है। वही ऑयल क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सोकर का साइज़ कम ज़्यादा होता है, तो क्वांटिटी का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हर गाड़ी के अंदर अलग अलग क्वांटिटी का ऑयल डलता है। ये वीडियो मैंने प्रॉपर एफजेड के ऊपर बनाई है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई और आपको किसी गाड़ी पर सोकर की वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के दूंगा, और आगे से मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी। दोस्तों थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये दोनों दो सोकर हो चुके हैं कंप्लीट, इसको हम गाड़ी में फिट करेंगे। अब लोअर टी साफ कर लें, जहां आप सोकर बैठाएंगे उस एरिया को ठीक से साफ कर लें। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर रस्टिंग आने से जंग लग जाती है जिसकी वजह से लोअर टी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसे साफ करके लगाएंगे तो फ्यूचर में कभी अगर दोबारा से सोकर निकालने पड़ जाए तो आराम से इजीली निकल जाएंगे। तो ये हमारा राइट साइड का सोकर है, डिस्क ब्रेक साइड का। सोकर बैठाते समय टॉप का ध्यान रखें ऊपर से, क्योंकि जो ऊपर का जो अपर टी का एरिया होता है वहां से सोकर बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए। ये हमने नट टाइट कर दिया है, मैं आपको भी दूसरे सोकर में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ऊपर टॉप पे ध्यान रखना है सोकर का, क्योंकि अगर आपने सोकर का ऊपर नीचे कर दिया तो भी प्रॉब्लम आएगी। ये 22 नंबर का नट है, अपर टी के नट को टाइट करने से पहले इस नट को जरूर टाइट कर लें फुल। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है। यह पट्टी का नट हिसाब से टाइट करें दोस्तों, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है, इसे आप ज्यादा तेज टाइट करेंगे तो टूट सकती है पट्टी, इसका ध्यान रखें। और ये पीवीसी कैप जरूर लगाएं, इसे लगाने से नट पे रस्टिंग नहीं आएगी जिससे नट जाम नहीं होगा बाद में। ये लेफ्ट साइड का सोकर है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि सोकर को पट्टी में किस तरीके से सेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने दोनों सोकर बराबर नहीं रखे तो प्रॉब्लम आएगी बाद में। देखो ये ऊपर नीचे जो सोकर हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दिखाने के लिए आपके सोकर प्रॉपर दोनों बराबर होने चाहिए, अपर टी के दोनों लेवल पर होने चाहिए बराबर। इस नट को इतना टाइट कर दें जिसकी वजह से आप बाद में हिला सकें। देखो ये अपर टी है, अपर टी का बिल्कुल टॉप लेवल का जो नट है, नट का जो बिल्कुल टॉप लेवल है वो एकदम अपर टी के साथ होना चाहिए। अगर आप इस अगर एक चीज़ का ध्यान रखें, सोकर जो लेफ्ट का होगा जिस लेवल पर उसी लेवल पर राइट साइड का होगा। अगर आपने दोनों सोकर ऊपर नीचे कर दिए तो गाड़ी आपकी एक साइड भागना स्टार्ट कर देगी, या तो लेफ्ट या राइट, और कौन साइड बार बार इसका लूज होगा और जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास आए हैं। दोस्तों वही प्रोसेस है फिट करने का। अब मरगाट को फिट कर दें, फ्रंट फेंडर को। मरगाट का लगाते समय ध्यान रखें नट बोल्ट इसके प्रॉपर तरीके से लगाएं और दोनों साइड से बराबर बैठाएं। कभी कभार क्या होता है, हमारे रॉड बैंड होती है तो मरगाट प्रॉपर टाइट नहीं हो पाता, हम टाइट करते हैं तो इसका सोकर जाम हो जाते हैं, तो रॉड जरूर ध्यान रखें वो बैंड नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से हमें बाद में रॉडों को घुमाना पड़ता है। जो मैकेनिक है वो अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर रॉड बैंड होंगी तो रॉड घुमानी पड़ जाती है हमारे को, क्योंकि सोकर जाम होने लगते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, मरगाट के बोल्ट लूज छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सोकर सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन मरगाट आवाज़ करता रहता है फ्रंट वाला, तो इसका ध्यान रखें। दोस्तों हम इसकी जितनी गहराई में जाएंगे ना उतनी सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सोकर के बारे में बता रहा हूँ। तो मरगाट ये लग चुका है, इसके 10 नंबर के दो बोल्ट और अलंगी के दो बोल्ट टाइट हो चुके हैं, जो 4 नंबर के अलंगी के बोल्ट होते हैं। अब हम फ्रंट व्हील लगाएंगे, व्हील लगाते समय दोस्तों डिस्क ब्रेक का ध्यान रखें।
इसके कॉलर बोस का ध्यान रखें, ये कॉलर बोस है इसको ठीक से लगाएं। और एक्सल पे दोस्तों ग्रीस जरूर लगा लें, जिसकी वजह से एक्सल आराम से सॉफ्ट तरीके से निकल जाए बाद में अगर निकालना चाहें। ये मीटर वर्म बॉक्स है, इसको ठीक से बैठाएं, इसमें सेंसर होता है, अगर ये ठीक से नहीं बैठा तो सेंसर टूट जाएगा जिसके से मीटर बंद हो जाएगा। बाद दिखाए गए तरीके से व्हील को बैठा दें। एक वार्सल और एक नट लगा दें यहाँ पे। नट को ठीक से टाइट कर दें। मेरे पास न्यूमेटिक गन है, मैं न्यूमेटिक गन से टाइट करता हूँ फुल प्रेशर के साथ। स्पीड पिन जरूर लगाएं दोस्तों, ऑलमोस्ट गाड़ियों में क्या होता है स्पीड पिन पे ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों। अगर इन फ्यूचर नट कहीं खुलने का चांस रहते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं खुलने का। स्पीड पिन सेफ्टी पिन होती है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ये जरूरी है इन चीज़ों पर, क्योंकि व्हील निकल गया रास्ते में गाड़ी में तो सोचो बंदे का क्या होगा। और दोस्तों डिस्क ब्रेक लगाते समय उसकी सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है राइट साइड का सोकर लीक होने से सारा ऑयल डिस्क ब्रेक में आ जाता है, डिस्क पैड पे आता है, डिस्क पैड सारे खराब हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, अगर होता तो इसके हम डिस्क पैड चेंज करते। अभी इसमें डस्टिंग है, उसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक से साफ करने के बाद हम इसको फिट करेंगे। हम एयर गन से इसको साफ कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी करें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप समझ सकते हैं गाड़ी रोड पर चलती है, गंदगी लगती है उसकी, और वो गंदगी साफ कौन करेगा, अंदर से साफ तो हो नहीं पाती है। जब मैकेनिक खोलता है तो जब भी वो सफाई हो सकती है, अगर वो सफाई ठीक से करके लगाएगा तो गाड़ी अच्छी चलती है, पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। दिखाए गए तरीके से कैलिपर को लगा दें दोस्तों, और ये सेंसर वायर का एक क्लिप है उसको लगा दें। इसमें 2 12 नंबर के बोल्ट और 1 10 नंबर का बोल्ट लगेगा। ये 12 नंबर के बोल्ट 2 हैं जो कैलिपर के अंदर लगाए जाएंगे, और 1 10 नंबर का बोल्ट है जो ऊपर लगाया जाएगा। इनको ठीक से लगाएं और दोनों को बराबर टाइट करें, ऊपर नीचे ना करें। और दोस्तों बोल्टों का ध्यान रखें, बोल्ट वही होने चाहिए जो इसमें आते हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बोल्ट लगाया है तो बड़ा बोल्ट नहीं होना चाहिए जो बाद में डिस्प्ले में टच हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डिस्क ब्रेक दोस्तों लगाने के बाद व्हील का जरूर ध्यान रखें, ब्रेक ठीक से लगनी चाहिए और व्हील बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। अगर व्हील फ्री नहीं होता है दोस्तों तो एवरेज भी बहुत कम आएगी और व्हील भी हीट हो जाएगा इसका, और डिस्क पैड भी जल्दी खराब हो जाएंगे। और ओके होने के बाद एक बार पंपिंग चेक कर लें, सोकर ठीक से वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, इसमें हमने सोकर के बारे में बात की थी, आगे हम बात करेंगे और भी वीडियो के बारे में। तो दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।